बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही यमी से डिफरेंट से चिकन मिंस बॉल। बनाना बहुत आसान है, इजी सी रेसिपी है पर टेस्ट बहुत डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन मिंस बॉल। इसके लिए हमने ले लिया चिकन का कीमा, इसको हमने ड्रेन करना है। मेक श्योर ये बिल्कुल ड्राई हो, कोई इसमें पानी ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसमें हमने ऐड करना है गार्लिक बारीक चॉप किया हुआ 2 बड़े चम्मच, बिल्कुल बारीक आपने चॉप करना है, वो हम ऐड करने हैं। अब इसमें साथ ही हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ग्रीन चिलीज को बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने ऐड करना है। इसमें स्पाइसेस बहुत ही कम डलते हैं और बहुत ही डिफरेंट इसका फ्लेवर है। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसमें मैंने चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड की है चिकन पाउडर के, 1 टीस्पून जो है ऐड किया है ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक, नमक ज़्यादा नहीं करना। और इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून जो है हमने ले लिया सोया सॉस, क्योंकि चिकन पाउडर और सोया सॉस थोड़ा सॉल्टिश ही होता है, तो नमक 1/2 टीस्पून इनफ है। ये 1/2 kg के मैं आपको अकॉर्डिंग रेशियो बता रही हूँ। अब हम इस सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करें तो ज़रा अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करके आप 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। अगर आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए भी रखते हैं तब भी इसकी बहुत ही मज़े की बनती है। जितना मैरिनेट होता है कीमा उतना ही मज़े की बॉल्स बनती हैं और उनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप इसको 1/2 घंटा भी रख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे। इजी सी रेसिपी, आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको फ्रिज में मैं रख रही हूँ। ये देखें, अब जब हमने बनाना हो, जब हमने जिस टाइम पे हमने इसको कुक करना हो तो इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें मैंने अंडा लिया 1 छोटे साइज़ का था, तो अगर आप चाहें तो उसमें 1/2 भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से बीट करके आपने ऐड कर लेना। पहले आप थोड़ा सा डाल के देख लें, अदरवाइज जो वो बहुत सॉफ्ट ना हो जाए बॉल्स। तो हमने ये ऐड कर दिया, साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर के ऐड करने हैं, दैट्स इट। और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हमने सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडा पहले आप कोशिश करें पहले आधा डालें, फिर देखें कि अगर वो ज़रा ड्राई है तो फिर आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, अगर बड़े साइज़ का, तो छोटा तो 1 काफ़ी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा जो है ऑयल हीटअप हो रहा है। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है और आपने इसको सर्व करना है सिचुआन जो सॉस है ना, उसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इससे पहले, वो आपने लाजमी ट्राई करनी है। शेजवान सॉस उसके साथ इसका कम्बिनेशन दी बेस्ट है, आप इसको लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए मैंने इसको इधर अच्छे से मिक्स कर लिया, ऑयल जो है वो हीटअप हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए हीटअप, और फ्लेम जो आपने लो टू मीडियम के दरमियान ही रखनी है, क्योंकि हम बहुत तेज़ पे करेंगे ना तो वो जल जाएंगे बाहर से और अंदर से कुक नहीं होंगे। इसकी बॉल्स इजीली बन जाती हैं और आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना, हल्के हाथों से आप इसकी बस बॉल्स बनाएं, छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं और बहुत बड़े की ना बनाइएगा, वो अच्छे से कुक नहीं होती। तो जब मीडियम साइज़ की मैं बॉल्स देखें कितनी ईजीली बन रही हैं, ये बना के फ्राई कर ली जा रही हूँ। और इसी तरह हमने सारी बॉल्स बना के डाल लेना है, ये लूज सी भी बन जाएंगी तो ऑयल में डालते ही ये बिल्कुल अच्छे से बाइंडिंग की हो जाती है। इसको आपने सॉस के साथ लाजमी ट्राई करना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और हमने इसको कुक करना है 3 to 4 मिनट एक साइड पर और 3 to 4 मिनट दूसरी साइड पर कुक कर लें। फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए, बहुत भी लो नहीं हो कि ये कुक ही ना हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड है। अब इस तरह मैं सारे इसमें बॉल्स बना के डाल रही हूँ और इसके हम साइड अब चेंज कर लेंगे। ब्राउन होंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इसको तब निकाल लेंगे। चिकन का कीमा है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, इसमें स्पाइसेस इतने कम हैं लेकिन इसका टेस्ट इतना डिफरेंट है और बहुत ही बेस्ट लगता है ये शेजवान सॉस के साथ। अब देखें हम इसको बस सिंपली निकाल लेंगे, ड्रेन करके हम इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करने हैं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और सॉस की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।